हरे कृष्ण। यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 6 सितंबर 1954 को दिया गया। विषय चरित्र निर्माण। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव। चरित्र निर्माण मानव जीवन में एक महान बल है, उसकी आवश्यकता मानव मात्र को है। इसके बिना मानव मानव नहीं हो सकता। वीतराग होने में ही चरित्र निर्माण की परिकाष्ठा है, और वीतराग होने में ही पूर्ण मानवता का विकास है। चरित्र निर्माण में ही अपना कल्याण तथा समाज का हित निहित है। इस दृष्टि से चरित्र निर्माण जीवन का आवश्यक अंग है। चरित्र निर्माण वास्तव में अंतः प्रेरणा है, क्योंकि किसी को भी चरित्रहीन की आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टि से समाज को एकमात्र चरित्रवान व्यक्ति की ही आवश्यकता है। इतना ही नहीं, अपनी निर्बलताएं मिटाने में भी सच्चरित्रता ही समर्थ है। चरित्र को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ न्योछावर किया जा सकता है, किंतु चरित्र किसी के बदले में नहीं दिया जा सकता। अतः चरित्र का महत्व शरीर आदि सभी वस्तुओं से अधिक है। चरित्र निर्माण करने में जितेंद्रियता अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि इंद्रिय लोलुपता के कारण ही हम चरित्रहीन हो जाते हैं। भुक्त इच्छाओं के रस की स्मृति और अभुक्त इच्छाओं की आशा ही इंद्रिय लोलुपता को पुष्ट करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन में उत्पन्न हुई नीरसता को दबाने तथा भुलाने के लिए प्राणी इंद्रिय लोलुपता का आश्रय लेता है। यद्यपि नीरसता मिटाने के लिए नित नव रस की आवश्यकता है, चरित्रहीनता की नहीं। नित नव
रस की प्राप्ति प्रीति से होती है, किसी सुख भोग से नहीं। प्रीति की प्राप्ति अचाह से होती है, किसी राग से नहीं। अचाह पद की प्राप्ति विवेक से होती है, जो मानव मात्र में विद्यमान है। उस विद्यमान विवेक के प्रकाश में ही हमें अपनी वर्तमान वस्तु स्थिति को देखना है। ऐसा करने से हमें अपनी निर्बलताओं का तथा अपने बनाए हुए दोषों का ज्ञान हो जाएगा। अपनी निर्बलता का ज्ञान वेदना जागृत करने में समर्थ है। यदि उस वेदना को प्रदोष दर्शन से दबाया न जाए तो वेदना भी स्वतः दोषों को भस्मीभूत कर निर्दोषता की स्थापना में समर्थ हो जाती है, और फिर निर्दोषता दोषों को उत्पन्न नहीं होने देती। इस दृष्टि से वेदना और दोषों का न दोहराना ही निर्दोष बनाने का मुख्य हेतु है। वेदना और दुख में अंतर है। वेदना अभाव मिटाने की पीड़ा है, अथवा यों कहो कि वेदना मानव की वास्तविक भूख है। दुख के दो रूप हैं, एक तो सुख भोग की आशा और दूसरा सब प्रकार के अभाव का अभाव करने की अभिलाषा। दुख का बाह्य रूप पूर्ण दुख नहीं है। दुख का आंतरिक रूप जो वेदना के रूप में जागृत होता है, मानव के विकास की भूमि है। यह भूमि सुरक्षित तभी रह सकती है जब हम अपने लक्ष्य से निराश न हो। वेदना जागृत होने पर एक आंतरिक गहरी मांग उत्पन्न होती है, जो वास्तव में प्रार्थना है। प्रार्थी उस अनंत को भले ही न माने अथवा न जाने, तो भी वह अनंत अपने अहेतु की कृपा से प्रार्थी की प्रार्थना की पूर्ति कर देता है। किंतु अपने को
प्रकट नहीं करता। यह उस अनंत की महिमा है और कुछ नहीं। यदि प्राणी व्यथित हृदय से उन्हें पुकारे तो उसे सब कुछ मिल सकता है। इस दृष्टि से अपने को निर्दोष बनाने में प्रार्थना का मुख्य स्थान है। वह प्रार्थना सजीव तभी होती है जब की हुई भूल को न दोहरा कर प्रायश्चित पूर्वक प्रार्थना की जाए। यदि किसी का प्रार्थना पर विश्वास न हो तो कहना होगा कि जिस प्रकार प्यास का लगना ही पानी का मांगना है, उसी प्रकार अभाव की वेदना ही प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थ दीनता तथा पराधीनता नहीं है, प्रत्युत अपनी वास्तविक आवश्यकता की जागृति है। अथवा यूं कहो कि जिससे हमारी जाति तथा स्वरूप की एकता है, उसकी प्रीति है।